नमस्ते दोस्तों, दिव्या चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी। बहुत खाने में भी टेस्टी लगती है, ठीक है। अभी एक बार ज़रूर ट्राई करें। हम पहले तेल डाल दिए, थोड़ी सी जीरा डाल दिए, पचफोरन डाल दिए, ठीक है। 4-5 लहसुन डाले हैं, ठीक है। 4-5 हम मिर्चा डाले हैं। बच्चों को भी तो खाना है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं डाले हैं मिर्चा, ठीक है। अब थोड़ी सी 2 प्याज डाले हैं, ठीक। आपको जितना प्याज खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ 2 ही प्याज डालें, ज़्यादा प्याज नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा बिरयानी नहीं बनाना था ना, कमी बिरयानी था, इसीलिए हम 2 ही प्याज डाले हैं। अब हम इसको ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा मीडियम ही फ्राई करेंगे इसमें, क्योंकि मटर और मूँगफली भी तो मिक्स करना है। अब इसको हम साइड में कर देंगे, इसके साथ मटर और मूँगफली के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ी सा हम मटर मूँगफली लिए हैं, सॉरी मूँगफली लिए हैं हम, थोड़ा सा ज़्यादा मूँगफली से ज़्यादा थोड़ा सा मटर लिए हैं। अब इसको हम तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, तीनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छे से हम इसको चलाएंगे मीडियम आँच पे, ज़्यादा तेज आँच नहीं करिएगा, स्लो ही आँच पे इसको भूजिएगा, क्योंकि मटर भी तो सीचिएगा, मटर अच्छे से पक जाएगा, तब हम इसमें हम मसाला और हल्दी पाउडर मिर्चा सब डालेंगे, ठीक है। अभी ये मटर थोड़ा सा सीझा नहीं है सब, इसको पास में हम कर देंगे, ठीक है। अच्छे से मटर सीझ जाएगा तब हम इसमें जो चीज़ हम डालेंगे उसको आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम मटर को अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। सारे को अच्छे से हम भूजेंगे अभी, ठीक है, चारों तरफ से। ऐसे ही हम इसको चारों तरफ से चलाएंगे इसको, ठीक है। देखिए देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, देखिए कितना देखने में अच्छे लग रहे हैं। अब इसको हम चारों तरफ से अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी हम मिर्चा पाउडर डालें, हम ज़्यादा मिर्चा नहीं पाउडर डालें, क्योंकि बच्चों को भी तो खाना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालें, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं डालें, हर चीज़ थोड़ा ही मीडियम से सारा डालें, ठीक है। अब अच्छे से इसको मिलाएँगे अच्छे तरह से, ठीक है। अब थोड़ी सी गर्म मसाला हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें सारा चावल डाल देंगे इसमें, ठीक है। अच्छे से हम इसको अब मिक्स करेंगे चावल को, ठीक है। चारों तरफ से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, जब तक ये अच्छे से नहीं मिक्स हो जाएगा, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे चारों तरफ से, ठीक है। अभी अच्छा से मिक्स नहीं हुआ है, अब इसको अब मीडियम आँच ही पे इसको मिक्स करिएगा, ज़्यादा तेज आँच नहीं करिएगा, क्योंकि बिरयानी भी जल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम चलाते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ से हम इसको चारों तरफ से अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। देखिए अभी थोड़ी सी कलर आई है, अभी अच्छी सी कलर नहीं आई है। ऐसे ही हम इसको हल्दी पाउडर को चावल में जो वाइट वाइट जो चावल दिख रहा है ना, उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे चारों तरफ से, जो कि सारे में हल्दी उसकी कलर लग जाए, ठीक है, कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। चावल भी तो बिरयानी मिलना चाहिए, देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा रहा है। मेरी बेटी तो बहुत बहुत अच्छा इसको लगता है ना बेटा, तुमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरी बेटी भी कह रही है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको खाना होगा तो मेरे घर आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलेंगे हम इसमें क्या करें, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलेंगे थोड़ी सी हम इसमें धनिया डाल देंगे, देखिए धनिया पत्ता डालने पे देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। देखिए हरे हरे थोड़ा सा दिख रहा है, तो देखिए कलर इसकी कितनी प्यारी लग रही है ना। देखिए अब इसको हम चलेंगे अच्छे से मिक्स कर देने, देखिए इसको अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है ना। अब इसको हम चारों तरफ से मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए कितनी मेरी बिरयानी बन के दम रेडी वेडी हो गया है और खाने में भी बहुत एमएमी लग रहा है, देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब हम लोग चलेंगे इसको प्लेट में निकाल देंगे, ठीक है, तब हम आपको दिखाएंगे कि खाने में कितना टेस्टी लगता है ना। अब हम चलेंगे इसको, देखिए थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक हम भूल गए थे, ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब हम लास्ट में नमक डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। अब हम अच्छे से इसको मिला लेंगे, ठीक है, बताना बताने में हम नमक ही लगाना ही भूल गए, सॉरी इसके लिए। अब इसको हम चलेंगे प्लेट में सर्व करेंगे और ट्राई करेंगे नमकीन के साथ और प्याज के साथ, बहुत एमी लगता है। आप इसके ऊपर नमकीन छिटेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा।
अब हम लोग इसको चलेंगे, आप क्या करेंगे, प्लेट में सब कर दिए हैं हम। देखिए आपको दिखा रहे हैं, बहुत देखने में बहुत कलर बहुत अच्छी सी आई है ना। मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिल्कुल, बाय बाय।